स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नंदिनी शुक्ला में। मैं नंदिनी आ गई हूँ आप लोगों के साथ एक नए वीडियो में। तो आज है मेरा सॉल्ट फ्री डे, जिससे होता है 2 से 3 किलो वजन कम। तो मैं हफ्ते में एक दिन ये सॉल्ट फ्री डे करती हूँ, और सॉल्ट फ्री डे करने के अपने अलग फ़ायदे हैं। बहुत ज़्यादा सॉल्ट फ्री डे करने से हमारा 2 से 3 किलो वज़न कम होता है। और अभी मेरी पूजा वगैरह हो गई है, उसके बाद मैं अब जाऊंगी सीधा किचन में और लोगों के लिए सब कुछ बनाऊंगी। उसके बाद फिर मैं स्टार्ट करूंगी अपना सॉल्ट फ्री डे। तो सॉल्ट फ्री डे अगर आप कर रहे हैं, मेन इम्पॉर्टेंट बात कि जिस दिन आप सॉल्ट फ्री डे कर रहे हैं उसके एक दिन पहले आप ढेर सारा पानी पिएं, जिससे नेक्स्ट डे हमारा जो यूरिन पास हो उससे हमारी बॉडी डिटॉक्स हो सके और सारी जो गंदगी है बॉडी की वो बाहर जा सके। और कोशिश किया करिए कि 5-6 बादाम सोख करके रख दिया करिए रात में, और सुबह उनको आप अपना ब्रेकफास्ट करने के पहले या अपनी डिटॉक्स ड्रिंक के पहले ले लिया करें। तो सुबह उठ के मैंने अपना पानी 3 ग्लास पानी नॉर्मल पी लिया है। उसके बाद अब मैं किचन में जाऊंगी और अपना डेली रूटीन वाला सारा काम करूंगी जो किचन के काम होते हैं। उसके बाद मैं करूंगी अपना वर्कआउट, और वर्कआउट करने के बाद मैं लूंगी अपनी वेट लॉस ड्रिंक। ड्रिंक हम सॉल्ट फ्री डे में 2 बार ले सकते हैं, और सॉल्ट फ्री डे करने में हम ना जितना ज़्यादा पानी पिए उतना बहुत अच्छा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, मैं चलती हूँ किचन में, फिर बाद में आप लोगों से बैठ के मैं बात करूँगी। तो आज मैं दोस्तों बनाने जा रही हूँ गोभी का पराठा, और क्योंकि मेरा तो सॉल्ट फ्री है तो मैं तो खाऊंगी नहीं, लेकिन आर्या के पापा को तो देना पड़ता है लंच में कुछ। तो आज मैं ये गोभी का पराठा बनाऊंगी, और इसके लिए बहुत ही सिंपल है ये रेसिपी। इसमें ना आप थोड़ा ऑयल मैंने पैन में डाला है, हरी मिर्च और थोड़ी सी इसमें हल्दी डाली है। इसको हम गोभी को मैं ना फ्राई करके बनाती हूँ। इसमें फिर मैंने गोभी डाल दिया है, और चाट मसाला डाला है, गरम मसाला डाला है, थोड़ा सा काला नमक डाला है, थोड़ी सी पीसी हुई इसमें जो आमचूर पाउडर आता है वो डाला है, और नमक मैं बाद में ऐड करूँगी क्योंकि फिर ये जो स्टफिंग है वो गीली हो जाएगी। और ये देखिए अब ठंडा हो गया है मेरा स्टफिंग, और इसमें मैंने धनिया और नमक मिक्स कर दिया है। चलिए अब बनाने की बारी आती है। तो अब ये देखिए मेरे गर्मा गर्म पराठा बन रहे हैं, और सुबह इतनी जल्दी होती है ना तो मैं पूरा वीडियो नहीं ले पाई दोस्तों कैसे क्या बनाना है, लेकिन मैंने सोचा थोड़ा सा शेयर कर दूँ। ये एक हेल्दी नाश्ता भी है और अच्छा है। गोभी इस टाइम बहुत ज़्यादा आ रही है सर्दियों में, तो हम इसको ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं, या हम इसको लंच में भी दही के साथ ले सकते हैं। तो आप कोशिश किया करिए कुछ ऐसे ही हेल्दी चीज़ें खाया करिए, और जो भी खाएं आप उसे 32-32 बार चबा के खाएं। और अगर कुछ अनहेल्दी भी खा रहे हैं तो उसके साथ सैलड ज़रूर ऐड किया करिए, जिससे ना आपका वो डाइट बैलेंस हो जाएगी। और सैलेड ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश किया करिए। देखिए ये मेरे गर्मा गर्म पराठा बन गए हैं, और मुझे तो खाने नहीं हैं तो मैं तो खाऊंगी, फिर किसी दिन बनाऊंगी तब। और इधर मेरा काम हो गया है किचन का, और मैं आ गई हूँ अपना वर्कआउट करने। सॉल्ट फ्री डे में मैं ज़्यादा नहीं करती हूँ, थोड़ा ही वर्कआउट करती हूँ, लेकिन करती हूँ। मुझे लगता है कि छूटे ना एक भी दिन वर्कआउट, तो ये मैं कर रही हूँ। और वर्कआउट के लिए मैं टाइम निकालती हूँ जब मेरा काम हो जाता है, क्योंकि फिर एक माइंड में टेंशन रहती है कि अभी ये काम करना है हमें, अभी अभी ये करना है, तो फिर अच्छी तरीके से वर्कआउट भी नहीं हो पाता है। और ये जंपिंग जैक्स मैं कर रही हूँ, ये बहुत ज़रूरी है, इससे फुल बॉडी का वर्कआउट हो जाता है। इसे आप ज़रूर किया करिए जब भी आप वर्कआउट करें, और इसको करने में ज़्यादा कोई मेहनत नहीं है, ज़्यादा कोई ट्रिक भी नहीं है। और ये भी देखिए, ये वाली भी आप एक जगह खड़े होकर कर सकते हैं अपने घर के किसी भी कोने में। तो आप कोशिश किया करिए अपने लिए 15 से 20 मिनट ज़रूर निकाला करिए। और जब आप स्टार्टिंग में सॉल्ट फ्री डे कर रहे हैं
तो आप स्टार्टिंग में कम वर्कआउट करें और फिर बाद में आप जब आपको आदत लग जाए सॉल्ट फ्री डे की तब आप स्टार्ट करें अच्छे से। और वर्कआउट के भी अलग फ़ायदे होते हैं दोस्तों, और वॉक के भी अलग फ़ायदे होते हैं, और 32 बार वाले फार्मूला के तो होते ही होते हैं। तो जिन्होंने स्टार्ट नहीं किया है अभी तक वर्कआउट तो स्टार्ट करिए। और मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं कि मेरा 32 बार से नहीं कम हो रहा है, क्या करूं। तो आप डियर उसके साथ साथ वॉक भी करिए और वर्कआउट भी करिए, डेफिनेटली कम होगा। और ये देखिए इससे ना थाइज़ और बैली फैट बहुत कम होता है, ये वाला जो मैं वर्कआउट कर रही हूँ इससे जो थाइज़ हमारी मोटी होती है ना ये थोड़ा कम होना स्टार्ट होती हैं और बैली फैट भी कम होता है। और ये वाला जो मैं करने जा रही हूँ बहुत इजी है, इसे आप बेड पर बैठ के कहीं भी बैठ के कर सकते हैं। बस इसको इसमें आपने आप पैर फोल्ड करके बैठ जाने हैं और हाथ आगे करके सर नीचे करना है, इससे ना बैली फैट में बहुत आराम मिलती है दोस्तों। और ये सब जब आप वर्कआउट करेंगे तब धीरे धीरे आपका वेट लॉस होगा। एक दिन में तो वेट पुट ऑन हुआ नहीं है दोस्तों, इसको टाइम लगा है तो कम होने में भी टाइम लगेगा। एक दिन में आपका कुछ नहीं होगा, आपको पेशेंस रखना है। और मैं तो अपनी बातों से मोटिवेट करती ही रहती हूँ, जैसे मैंने 15 किलो अपना वज़न कम किया उसी तरीके से आपको भी पेशेंस रखना है। बार बार वेट मशीन चेक नहीं करनी है, इंचेस लूज़ हुए ये चेक नहीं करना है। सब्र का फल मीठा ही होता है और मेहनत करने वालों की कभी भी हार नहीं होती है। यहाँ मेरा हो चुका है सारा काम और मैं आ गई हूँ अपनी वेट लॉस ड्रिंक लेके। तो चलिए मैं इसे सिप सिप करके पीती हूँ, उसके बाद आप लोगों से बात करती हूँ। वेट लॉस ड्रिंक पीने में हमें ये ध्यान रखना है कि हमें सिप सिप करके ही पीना है और हमें बैठ के पीना है। अपना वेट लॉस ड्रिंक ले लिया है तो सॉल्ट फ्री डे का मैं बता देती हूँ। वैसे जो पुराने सब्सक्राइबर होंगे उन्हें पता ही होगा, या जो जानते होंगे उन्हें पता होगा कि सॉल्ट फ्री डे क्या होता है। सॉल्ट फ्री डे होता है एक दिन बिना नमक के। तो एक दिन हमें बिना नमक के निकालने हैं, आप हफ्ते में इसे एक दिन कर सकते हैं और इसमें आप कुछ भी खा सकते हैं लेकिन ऐसी चीज़ ना खाएं जिसमें सॉल्ट हो। तो ये हफ्ते में मैं हर वीडियो में बताती रहती हूँ कि इसको हफ्ते में एक दिन एटलीस्ट कर लेना चाहिए, जिससे हमारा वजन 2 से 3 किलो कम हो जाता है गारंटी के साथ। कम तब होता है डे आप हल्का फुल्का ही खाएं, ऐसा नहीं कि आपने आज सॉल्ट फ्री डे कर लिया और नेक्स्ट डे आप टूट पड़े खाना पे या ऑयली चीजें खा ली या मीठा मीठा खा लिया, तो जितना वेट कम होगा पिछले दिन उससे ज्यादा वेट पुट ऑन हो जाएगा। तो हमें ये कुछ बातें ध्यान देनी है तभी सॉल्ट फ्री डे हमारा तभी सॉल्ट फ्री डे का मतलब निकल पाएगा और आपका वेट लॉस हो पाएगा। तो मैं तो कहती हूँ सॉल्ट फ्री डे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आप जितना पानी पियेंगे उतना जो बॉडी की है जो बॉडी की गंदगी है वो यूरिन के थ्रू निकलेगी। तो आप मैं इसका एक बता चुकी हूँ डाइट चार्ट की, सॉल्ट फ्री सॉल्ट खा सकते हैं क्या क्या नहीं खा सकते हैं ये सब मैंने एक वीडियो में डाला है, तो आप वहाँ पर जाके ये चेक कर सकते हैं। तो मैं ऐसा नहीं कि जो मैं खा रही हूँ वही आप खाएं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपका जो मन हो आप वो खा सकते हैं, लेकिन आप कोशिश करें उसमें नमक ना हो। अगर नमक वाली चीज़ लेंगे तो सॉल्ट फ्री डे का मतलब ही नहीं रहा। आप फ्रूट्स में भी नमक ना लें, आप जो स्मूदी वगैरह पी रहे हैं या आप
चीला खा रहे हैं या आपने वेजिटेबल्स वाली रोटी बना ली है, तो किसी में भी आप नमक ऐड ना करें, आप दही के साथ ले लीजिए चीला वगैरह। फ्रूट्स आप ऐसे ही खा सकते हैं, तो किसी भी चीज़ में आप नमक वगैरह ऐड ना करें। यकीन नहीं मानेंगे, मैंने अपनी वेट लॉस जर्नी में सॉल्ट फ्री डे बहुत किया है और मेरा उसी से 15 किलो वजन कम हुआ है। तो आप लोग भी सॉल्ट फ्री डे जरूर किया करें हफ्ते में एक बार, अगर आपको जल्दी से अपना वजन कम करना है। तो यह है अपना ड्रिंक, उसके बाद मैं लूंगी एक फ्रूट, और या दोपहर में मैं लंच में चीला वगैरह ले लूंगी, फिर मैं नाइट में, मैं ये मेरी ये कोशिश रहती है कि मैं नाइट में सॉल्ट फ्री डे में कुछ ना खाऊं, या मैं फ्रूट ले लूं या मैं ग्रीन टी ले लूं। मैं शाम को कोशिश करती हूँ रात में मैं डिनर ना लूं। और अगर आपको और जल्दी कवर करना है तो आप ये भी कोशिश किया करें कि डिनर में आप डेली ये सोचा करें कि सॉल्ट ना हो। अगर डिनर में सॉल्ट नहीं होगा ना, तो उससे भी बहुत जल्दी हमारा वेट लॉस होता है। तो ये कुछ कुछ जो छोटी छोटी आदतें आप अपनाएंगे ना, तभी आपका वेट लॉस हो पाएगा। और आप वॉक भी करें और आप करें उसके साथ वर्कआउट, जिससे बहुत जल्दी हमारा वेट लॉस होता है। फिट रखें, हेल्दी रखें, और जैसे कि आज मेरा सॉल्ट फ्री डे है, तो मैं आगे अब वीडियो में बताऊंगी आपको आज मैंने क्या खाया और क्या क्या किया सॉल्ट फ्री डे में। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं वीडियो को। जो नए सब्सक्राइबर आया करें, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें, कॉमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, और दूसरों के साथ शेयर भी किया करें। तो मैं ज़्यादा बातें नहीं करूँगी, आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो यहाँ मैं लंच में आज अपना वही चीला बना रही हूँ, सूजी और दही और सारे वेजीज मिक्स करके। मुझे ये ज़्यादा पसंद है चीला सूजी वाला, और ये बहुत हेल्दी भी होता है। तो आज के लंच में मैं यही लूँगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करिए, चैनल को सब्सक्राइब किया करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।